हेलो एवरीवन, प्रिया हियर, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का वीडियो होगा मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो या फिर मोस्ट वांटेड वीडियो आप बोल सकते हो, क्योंकि आज तक मुझे इतने सारे कमेंट्स आए हैं, रोज़ आते हैं कि आपका हेयर कट कौन सा है, आप कौन सा हेयर कट करवाते हो, नाम क्या है हेयर कट का, आप खुद करते हो या फिर सालन में जाते हो। तो इतने सारे क्वेश्चंस मुझे रोज़ आते हैं, उन सबका मैं जवाब देती रहती हूँ। बट मैंने सोचा क्यों ना एक हेयर कट का वीडियो आपके साथ शेयर किया जाए। तो पहले भी मैंने दो तीन हेयर कट के वीडियो शेयर किए हैं, उसके लिंक्स मैं डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो गाइज़ ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि ये वीडियो मैंने काफ़ी डिटेल में किया है ताकि ये आपके लिए 100% नहीं 1000% यूज़फुल हो। चैनल अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टा एंड फेसबुक पे, उसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज का हेयर कट है डीप लेयर कट और वो तीन इजी स्टेप्स में होने वाला है, बट एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टेप मैं उसमें ऐड करूँगी, वीडियो के एंड में आपको शेयर करूँगी। और ये पूरा हेयर कट होगा 4 स्टेप्स का। सबसे पहले आपको टैंगल्स रिमूव करना है, उसके बाद में ऐसे बैक टू फ्रंट कोम कर लेना है। अगर आप चाहते हो आपकी हेयर कट परफेक्ट आ जाए तो उसके लिए आपको ये वाला स्टेप अच्छे से फॉलो कर लेना है, आपको यू नो स्मूथली कॉम कर लेना है पूरे बाल। अगर आपके पास इस तरीके का पैडल ब्रश है तो आपको ये स्टेप करना काफ़ी आसान हो जाएगा, बट अगर नहीं है आपके पास तो आप जो नॉर्मल कॉम होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे पूरे पीछे के बाल मैंने कॉम करते करते इसे सामने लाया है, जहाँ पे हेयरलाइन होती है वहाँ पे आपको ऐसी पोनीटेल डालनी है, और जो रबर बैंड है आपको टाइटली टक कर लेना है और ऐसे ही टाइट कीजिएगा पोनीटेल। अभी ये पोनीटेल रेडी है कट करने के लिए। अभी इस पोनीटेल को आपको स्मूथली यू नो कॉम कर लेना है, उसके बाद में डिसाइड कीजिएगा आपको कितना लेंथ कट करना है। मेरे हिसाब से आप स्टार्टिंग में 1 या फिर 1.5 इंच का हेयर कट कीजिएगा, और ये जो नीचे बाल आ रहे हैं वो छोटे हैं इसलिए वो पोनीटेल में बैठेंगे नहीं, इसलिए वो नीचे आ रहे हैं। इट्स ओके। सीजर्स आपको हमेशा इसे क्रॉस होल्ड करना है, स्लैंटिंग वे में होल्ड करना है या फिर 45 डिग्री एंगल में होल्ड करना है, और उसके बाद में ऐसे छोटे छोटे स्ट्रोक्स देके आपको बाल कट कर लेना है। और ये जो तरीका मैं कर रही हूँ जिगजैग वे में कट कर रही हूँ, इससे आपके लेयर कट को एक्स्ट्रा नेचुरल फिनिश मिलेगी। और आप हमेशा ट्राई कीजिएगा कि आपकी कैंची शार्प है, और चाहे तो आप जो कटिंग वाले सीजर्स होते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मैं पोनीटेल ओपन कर रही हूँ तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के लेस आए हैं। जब इसे पीछे मैं कर लूँगी तब आपको अच्छा वाला जो लुक आएगा हेयर कट का वो दिखेगा। एक स्टेप में आपको इस तरीके के लेयर्स मिलने वाले, लॉन्ग लेयर्स मिलेंगे, आप चाहे तो एक स्टेप करके भी फिनिश कर सकते हो। आज का वीडियो डीप लेयर के बारे में है इसलिए हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो आप देख सकते हो जहाँ पे ईयर होता है ना वहाँ से मैं सेक्शन ले रही हूँ हेयर का, और जो नीचे वाले हेयर है उसमें आपको ऐसे ही पीछे छोड़ देना है, क्योंकि ये है हेयर लेंथ एंड वो हमने कट की है फर्स्ट स्टेप में। जो ऊपर वाला सेक्शन मैंने लिया था उसे अच्छे से मैंने कॉम कर लिया है, उसके बाद में ही मैं ऐसे पोनीटेल डाल रही हूँ, टाइट पोनीटेल डालनी है। आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने पोनीटेल हमेशा स्ट्रेट होल्ड की है। सेकेंड स्टेप में मैं ये इतने 2 इंच के बराबर के हेयर कट कर लूँगी, और उस स्टैंड को आपको टाइटली 2 फिंगर्स में होल्ड करना है, और उसके बाद में कैंची को क्रॉस होल्ड कीजिएगा और छोटे छोटे स्ट्रोक्स देके आपको बाल कट कर लेने हैं। और जितना यू नो आप जितने इंच तक हेयर कट करते उतना डीप आपका लेयर आएगा, बट स्टार्टिंग में आपको 1 इंच का ही हेयर कट कर लेना है। और अगर आपकी पहले से लेयर कट है तो ये काफ़ी आसान होगा आपके लिए, बट अगर आपकी लेयर लेवल कट है या फिर यू कट है तो आपको स्टार्टिंग में यू नो लॉन्ग लेयर्स मिलेंगे, बट जब आप सेकेंड बार ये हेयर कट करोगे तब आपका जो लेयर कट है वो परफेक्ट होने वाला है, गारंटी। और अभी ये पोनीटेल मैं ओपन करने वाली तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यू नो यू शेप, उल्टा यू शेप वाला लुक आया है सामने से। ये इस क्लिप में आप देख सकते हो जो सामने के बाल है मैं पीछे कर रही हूँ, और सेकेंड स्टेप का कम्प्लीट लुक अभी आप देख सकते हो। तो ये आप देख सकते हो सेकेंड स्टेप मैंने किया है, और सेकेंड स्टेप में इतना वॉल्यूमनेस लुक आया है क्योंकि लेस अभी बढ़ गए हैं, क्योंकि लेस ऐसे ऊपर ऊपर की तरफ आ रहे हैं इसलिए ये वॉल्यूम दिख रहा है। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ। थर्ड स्टेप के लिए आपको यहाँ से सेक्शन लेना है जहाँ पे दिमाग होता है हमारा, वहाँ से। और मैं आपको याद दिला दूँ सेकेंड स्टेप के लिए हमने जहाँ से ईयर स्टार्ट होता है वहाँ से सेक्शन लिया था। तो आप देख सकते हो काफ़ी ईजी तरीके से मैं ये सेक्शन ले रही हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी प्रैक्टिस हो गई। आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी बट ठीक है, आप कॉम का इस्तेमाल कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में हमने 2 स्टेप्स कट किए थे, वो 2 स्टेप्स ये है और इनको अभी बिल्कुल भी कट करना नहीं है। थर्ड स्टेप का थर्ड सेक्शन मैंने काफ़ी अच्छे से कॉम करके लिया है, आप देख सकते हो बिल्कुल भी टैंगल्स नहीं दिख रहे। तो गाइस प्लीज़ आप ये स्मूथली कॉम कीजिएगा, उसके बाद में आपको टाइट पोनीटेल डालनी है। उसके बाद पोनीटेल स्ट्रेट होल्ड कीजिएगा और 1 इंच का जो हेयर है वो डिसाइड कीजिएगा और उसे कट करना है आपको। हमेशा मैं 1 इंच का ही हेयर कट करती हूँ, उससे हेयर की ट्रिमिंग हो जाती है, स्प्लिट एंड्स भी निकल जाते हैं और हेयर कट की हेयर कट भी हो जाती है। तो एक एडिशनल स्टेप मैं अभी डाल रही हूँ, तो आप देखोगे अभी ये वर्टिकल मैंने होल्ड किया है सीजर्स, और इससे भी आप ऐसे भी आप हेयर कट कर सकते हो। तो ये पोनीटेल अभी हम ओपन करेंगे, और ये पोनीटेल ओपन होने के बाद आप ये देख सकते हो हेयर कट का लुक
किस तरीके से आने वाला है। तो ये रहा हेयर कट का लुक, और जब मैं ये बाल पीछे करूँगी तब आप देख सकते हो, और ये जो पीछे के बाल है वो पीछे वैसे ही जो थर्ड सेक्शन सामने लिया था वो अभी मैं पीछे कर रही हूँ, और पूरा हेयर कट आपको दिखाऊंगी अभी। तो ये आप देख सकते हो, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड हो गया मेरे हेयर में। सारे बाल मैंने अभी सामने लिए हैं और कंप्लीट हेयर कट का लुक मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, मुझे खुद को अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इन इजी स्टेप्स में मैंने ये हेयर कट किए हैं। तो ये रहा उसका बेस, और ये है फर्स्ट स्टेप, देन सेकेंड स्टेप, और ये यहाँ पर ये जो है वो है थर्ड स्टेप। तो ये तीन स्टेप्स में मैंने हेयर कट किया है, अभी फोर्थ कॉम्प्लीमेंट्री स्टेप हम देखेंगे। आप चाहे तो कर सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो, बट मुझे पर्सनली ये स्टेप काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये सेक्शन जो मैंने अपने हाथ में होल्ड किया है उसे बोलते हैं क्राउन सेक्शन। ये सेक्शन स्मूथली कॉम करने के बाद उसे मैंने होल्ड किया है अपने सर के स्ट्रेट ऊपर, आपको ये फोरहेड की तरफ बिल्कुल लाना नहीं है, और ये जो हेयर मैं दिखा रही हूँ उतना मैं कट करूँगी। हमारे हाथ कानून के जितने लंबे होते नहीं, तो इसलिए मैंने वो सेक्शन धीरे से इसे नीचे लाया है ताकि मुझे आसानी हो जाए वो कट करने के लिए। और ये इतने हेयर मैं कट करूँगी नहीं, इससे थोड़ा सा कम करूँगी मैं कट। फिर वही सेम सीजर्स आपको क्रॉस होल्ड करना है और छोटे स्ट्रोक्स देख के आपको बाल कट कर लेने हैं। तो गाइस मुझे एक चीज़ यहाँ पे बोलना है, आप जितने सेक्शंस लोगे ना 3, 4 या फिर 5 उतना आपका जो हेयर कट है वो डीप आने वाला है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका लॉन्ग लेयर आएगा अगर आपके लेवल कट है। एक बार ज़रूर लेवल कट के ऊपर मैं आपको लेयर कट करके दिखाऊंगी। और ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टेप का लुक कुछ इस तरीके से आया है, अगर आपका फोरहेड बड़ा है या फिर आपका फेस राउंड है तो ये स्टेप कॉम्प्लीमेंट्री स्टेप आपको ज़रूर कर लेना है, और बाकी जो लोग हैं जिनका फेस नॉर्मल है वो भी ये स्टेप कर सकते हैं, वैसे कुछ बात नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री स्टेप ऐड करने के बाद आपका जो क्राउन पोर्शन है, जो ऊपर वाला टॉप पोर्शन है, वहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा आएगा। तो गाइस अगर आपके बाल थिन है तो ये सारे स्टेप्स जो है आपके लिए परफेक्ट होने वाले, आपका जो हेयर कट है वॉल्यूमिनस आएगा। और ये हेयर कट आप कर्ली हेयर वेवी हेयर में भी ट्राई कर सकते हो, बट स्टेप्स आपके उतने क्लियरली दिखेंगे नहीं क्योंकि आपके हेयर कर्ली है वेवी है। और अभी मैं कॉम्ब कर रही हूँ अपने बालों में, हेयर कॉम्बिंग का क्लिप मैंने जानबूझ के ऐड किया है क्योंकि जब भी मैं कभी हेयर कॉम्ब करती तो मेरे जो लेयर है वो वैनिश हो जाते या फिर वो उभर के दिखते नहीं, और मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते कि हमारे लेयर आपके तरह दिखते नहीं क्यों। तो इसका रीज़न एक ही है, जब आप हेयर कॉम्ब करते हो तो वो फ्लैट हो जाते। तो अगर आपको लेयर चेक करने हैं तो हमेशा कट के बाद आपको आपके लेयर ऐसे मिक्स कर लेना है या फिर आपके बालों को ऐसे शफल कर लेना है, विदाउट कॉम आपको ऐसे शफल करना है ताकि आपके जो लेयर है वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए, अच्छे से वाइंड अप हो जाए एक दूसरे के साथ। जब वो मिक्स हो जाएंगे तब आपके लेयर जो है वो उभर के दिखेंगे और आपका जो लेयर कट है वो परफेक्ट दिखने वाला है। तो ये स्टेप आप प्लीज़ याद रखिएगा। फिर हेयर कट करने के बाद आपका जो हेयर कट का बेस है वो पॉइंटेड वी शेप में आएगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये पॉइंटेड वी शेप लग रहा है, कुछ लोगों को ये पॉइंटेड वी शेप अच्छा लगता नहीं, तो इसके लिए सॉल्यूशन है अभी। तो उसके लिए आपको आपके पूरे हेयर दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लेना है और ऐसे सामने कॉम करके लेना है। ये आप देख सकते हो इतना आपको सेक्शन कट कर लेना है, ये इतना, ये कुछ 1 इंच का हेयर मैं कट कर रही हूँ। वैसे मुझे ये वी शेप जो है अच्छा लगता है, बट मुझे कुछ कॉमेंट्स आए थे कि ये वी शेप उनको पसंद नहीं है, तो इससे कैसे डील करना है, तो इसका ये सॉल्यूशन है। ये कट करने के बाद आप देख सकते हो दोनों सेक्शन इक्वल है और स्ट्रेट है। पूरे बाल पीछे लेने के बाद आपको दिखेगा डीप यू वाला शेप आपके हेयर कट में। और ये रहा आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो सभी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप जानना चाहते हो फ्लिक्स कैसे कट करना है तो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और साथ में जो बेल बटन है वो प्रेस कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। मेरे कुछ और हेयर कट वीडियोज़ देखने के लिए इन लिंक्स के ऊपर क्लिक कीजिए।